राधे राधे, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पूजा और उपाय में। सबसे पहले तो दोस्तों आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में आपको जन्माष्टमी की पूजा कैसे करनी है रात्रि के समय, वो आपको पूरी पूजा करके दिखाने वाले हैं। तो 26 तारीख को जन्माष्टमी मनाई जा रही है और 12:01 से लेकर के 12:45 तक पूजा का बहुत शुभ मुहूर्त है रात्रि में। तो सुबह तो आपको पूजा करनी ही है, जैसे नॉर्मल पूजा करनी है और व्रत का संकल्प लेना है। उसके बाद आपको पूरा दिन व्रत रखना है और रात्रि में आप लड्डू गोपाल का जन्म भी करा सकते हैं। अगर लड्डू गोपाल नहीं है आपके पास तो कोई बात नहीं, आप किसी भी फोटो से या जो भी आपके पास कृष्ण भगवान की मूर्ति है उससे पूजा कैसे कर सकते हैं वो आपको करके दिखाने हैं। एक चौकी स्थापित करिएगा और चौकी पर पीला कपड़ा स्थापित करिएगा। साथ ही आपके पास कृष्ण भगवान की बाल स्वरूप की अगर फ़ोटो है तो बाल स्वरूप की फ़ोटो लीजिए। अगर नहीं है, राधा कृष्ण की अगर आपके पास फ़ोटो है या कृष्ण भगवान की है तो आप उसे भी स्थापित कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप बाल स्वरूप की स्थापना ही कर सकते हैं तभी आपको पूजा का फल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो इस तरह से आपको एक बाल स्वरूप के भगवान की एक फ़ोटो, आपको कृष्ण भगवान की जो भी आपके पास है वो आपको स्थापित करना है। साथ ही छोटी छोटी मटकी आसानी से मार्केट में मिल जाती है, उसमें आपको माखन रखना है। मेरे पास थोड़ी सी बड़ी साइज़ की है तो आपको दिखाने के लिए मैंने वो रख दिया है। बाकी ऐसे छोटी छोटी साइज़ की भी मटकियाँ आती हैं, आप वो ले लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा माखन का बहुत महत्व होता है, तो माखन उसमें डाल के रखिएगा। कृष्ण भगवान से जुड़ी हुई जो उनकी प्रिय चीज़ें होती हैं, जैसे कि बांसुरी है वो ले लीजिएगा, मोर पंख है वो रखिएगा, साथ ही चंदन है वो रखिएगा, और उनके साज श्रृंगार की जो वस्तुएं हैं जैसे कि माला हो गई, मुकुट हो गया है, मोर मुकुट, वो सब चीज़ें ज़रूर रख लीजिएगा। अगर आपके पास देखिए है तो आप उसे पहना दीजिए, नहीं है तो परेशान नहीं होइए कि नहीं हमको ख़रीद के ला के उसको पहनाना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये सब क्या है, अगर है तो फिर पहना दीजिए, आपकी श्रद्धा है ये, ठीक है। और परेशान ना होइए कि नहीं अब हमको ख़रीदना ही है, मेरे पास नहीं है, तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान क्योंकि भाव के भूखे हैं तो इसलिए मेरे पास ये सामग्री थी, हर बार पूजा करती हूँ तो इसलिए मैंने वो चढ़ा दिया है। आपके लिए कंपलसरी नहीं बता रही हूँ मैं इसलिए, ठीक है। उसके बाद जल से आपको स्नान करवाना है। अगर आपके पास देखिए लड्डू गोपाल जी हैं तब तो आपको लड्डू गोपाल जी का बाल स्वरूप है तो आपको विधिवत उनको पंचामृत से स्नान करवाइएगा, और स्नान करवाने के बाद उनको शुद्ध जो है साफ कपड़े, नए कपड़े वस्त्र ले आइएगा लड्डू गोपाल के लिए, और उनको नए वस्त्र पहनाइएगा, साथ ही साथ उनका श्रृंगार मोर मुकुट वगैरह उनको पहनाइएगा। अगर लड्डू गोपाल नहीं है तो आप इस तरह से मूर्ति की जो भी फ़ोटो है उसकी आपको पूजा करनी है, पीला चंदन लगाना है मटकी पर भी और शंख पर भी और कृष्ण भगवान को भी। उसके बाद जो है रोली से भी टीका करना है सभी को, कृष्ण भगवान को और शंख वगैरह को। फिर आपको उस पर अक्षत का टीका भी लगाना है। जैसे आपके घर में किसी बच्चे का जन्मदिन हो तो आप कैसे धूमधाम से मनाते हैं, पूरे खुशी से अंदर से होता है ना, एक्साइटेड होते हैं, ठीक वैसे ही लड्डू गोपाल की भी हमको जन्म उत्सव की तैयारी करनी है। उनका जन्मोत्सव है तो हमें जैसे बच्चा आने वाला होता है तो खुशी होती है, उसी तरह से आपको यहाँ पर पूजा अर्चना पूरे भक्ति भाव से पूरे श्रद्धा से करना है लड्डू गोपाल की। तो उनको सब कुछ उनका श्रृंगार करने के बाद, उनको मोर मुकुट वगैरह पहनाने के बाद में एक दीपक जला के रख दीजिएगा, साथ ही धूप बत्ती वहाँ पर जला दीजिएगा, अगरबत्ती जो भी आपके पास है, और चंदन लगा दिया है। उसके बाद उनको फूलों से श्रृंगार करिए, आप चाहें तो आसपास का जो है उसको भी डेकोरेट कर सकते हैं, आप गुब्बारे लगा सकते हैं या आसपास भी फूलों की माला लड़ी जो होती है वो लटका सकते हैं उनके जन्मोत्सव को मनाने के लिए। बाकी उनका प्रिय पीला फूल होता है तो आप पीले फूल चढ़ाइए, बाकी जो भी मौसमी फल आपको जो भी आपको फूल मिल जाते हैं आसानी से, लाल फूल, गेंदा का फूल है, गुलाब का फूल है, वो सब आप चढ़ा सकते हैं। तुलसी दल अति प्रिय होता है तो आप तुलसी दल भी जरूर अर्पित करिएगा कृष्ण भगवान को। अब वस्त्र के रूप में देखिए, अगर आपने लड्डू गोपाल आपके लिए हैं तब तो उनके लिए नए वस्त्र आपको लेने ही चाहिए जन्माष्टमी के दिन, क्योंकि जन्म आप करवाते हैं तो नए वस्त्र पहनाइएगा। अगर ऐसे फ़ोटो की पूजा कर रहे हैं आप चाहें तो वस्त्र ले सकते हैं, बाद में उसको किसी को दान कर दीजिएगा, नहीं तो आप मौली को वस्त्र के रूप में जो रक्षा सूत्र होता है कलावा उसे आप वस्त्र के रूप में अर्पित करें। उसके बाद भोग प्रसाद में आप माखन ले लीजिएगा, श्रीखंड मैंने लिया है आप श्रीखंड ले सकते हैं, मौसमी फल और मिठाई जो भी आपको आसानी से मिल जाती है
साथ ही साथ आप घर का बना हुआ शीरा है वो भी हमने चढ़ाया है। जैसे कहते हैं ना 56 भोग चढ़ाने हैं, तो आपको पास 56 भोग तो नहीं, लेकिन जितना संभव हो सके चीज़ें उनको उतनी प्यारी चीज़ें आप ये सब चीज़ें चढ़ा सकते हैं। मौसमी फल में देखिए खीरा आपको ज़रूर चढ़ाना चाहिए अगर मिल जाए तो। मुझे अभी मैं वीडियो बना रही थी, मेरे पास मुझे नहीं मिल पाया था तो इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, पर ऐसे ही बता दे रही हूँ कि सेब वगैरह जो भी मिल जाता है केला, उस सबके साथ खीरा हो जाए तो ज़रूर चढ़ा दीजिएगा, खीरा एक फल। बाकी ये माखन है, मिश्री है, श्रीखंड है, ये सब चीज़ें उनको अति प्रिय थी तो ये सब चढ़ाइएगा, शीरा चढ़ा देना है। और मिठाई आपके पास जो भी आपको मार्केट से भी आप ला सकते हैं वो मिठाई आप उनको चढ़ा सकते हैं, क्योंकि जन्मोत्सव है, पूरे प्यार से आपको चढ़ाना है। जो भी भोग प्रसाद आप चढ़ा रहे हैं उसमें तुलसी दल जरूर चढ़ा दीजिएगा, तुलसी पत्र अर्पित करना है आपको, क्योंकि तुलसी के बिना भोग स्वीकार नहीं करते हैं भगवान, तो इसलिए हर भोग जो भी आपने लगाया है सभी भोगों में तुलसी दल जरूर डाल दीजिएगा। अब आरती की थाल आपको तैयार करनी है, उस पर स्वास्तिक बना लीजिए, चावल डाल लीजिए और फूलों से आरती की थाली को श्रृंगार कर लेना है। कपूर से आपको आरती करनी है, साथ ही साथ आप घी की बाती से भी आरती कर सकते हैं, जैसा भी आपको लग जाए सही लगता उस प्रकार आप आरती कर लीजिएगा। उसके बाद घंटी लेकर के आपको विधि विधान से भगवान कृष्ण की आरती करनी है, उनकी जो भी आरती आती है आपको वो गा करके आरती की किताब में भी मिल जाएगा, आजकल इंटरनेट पे भी रहता है तो आप वहाँ से आरती देख करके गा करके पूरा पढ़ सकते हैं, पूरी श्रद्धा से गा करके आरती पढ़िएगा। आरती कुंज बिहारी की या फिर और कोई आरती आती है तो आप वो भी पढ़ सकते हैं। आरती पढ़ने के बाद आपको सभी सदस्यों को वो दीपक की आरती दिखानी है, सभी सदस्य एक साथ जब आप आरती करें रात में सभी सदस्यों का वहाँ पर हो, अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, सभी जाग रहे हों तो सभी लोग को आरती लेनी चाहिए, आप आरती दिखा दीजिए। उसके बाद जो भी दक्षिणा आपके लिए संभव हो सके आपकी सामर्थ्य के अनुसार वो दक्षिणा भी आपको अर्पित करनी चाहिए। हाथ जोड़ करके भगवान से जो भी पूजा में गलती हो गई है, त्रुटि रह गई है, भूल चूक हो गई है, उसके लिए आपको क्षमा याचना करनी है और भगवान से प्रार्थना करनी है कि आपके परिवार का जो है कृपा दृष्टि बना के रखें, हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि का वास हो और उनकी कृपा आपके परिवार पर बरसती रहे। इस तरह से उनसे अपनी प्रार्थना करनी है और आरती लेनी है। भोग प्रसाद आपको थोड़ी देर बाद उठा करके परिवार के सभी सदस्यों में बांट देना है और सभी को मिल बांट के वो प्रसाद आपको खा लेना है। तो दोस्तों इस प्रकार से आपको लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी के दिन पूजा करनी है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल नहीं है तो आप उनके किसी भी फोटो, किसी भी स्वरूप की फोटो है उसको स्थापित करके उसका पूरा विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। इसमें भक्ति और श्रद्धा की ज़रूरत होती है बहुत ज़्यादा, ये नहीं कि आपके पास जो चीज़ नहीं है तो आप खरीदने चले गए, ऐसा कुछ नहीं है। जो चीज़ें हैं उन्हीं के साथ आप कम सामग्री के साथ पूजा कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जय कन्हैया लाल की ज़रूर लिखें। आप सभी को जन्माष्टमी की शुभकामनाएं।